हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जुडिशरी वर्ल्ड पे। और हम यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और इसका पर्पस क्या है हमारा अपकमिंग जेएलओ एग्जाम और राजस्थान जुडिशरी, जिसमें कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले। तो कल हमने डिस्कस किया था कुछ जनरल चीजें अबाउट द सब्जेक्ट, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, प्लस स्टैट्यूट्स की डेफिनेशन, इंटरप्रिटेशन की डेफिनेशन एंड स्टैट्यूट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में है, जिसमें हम कुछ ग्रामेटिकल लिटरल रूल, गोल्डन रूल, मिस्चीफ रूल और भी बहुत सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले कि डिस्कशन स्टार्ट करें, एक बार प्लीज लेट मी नो एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग गीतिका, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है प्रॉपरली। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरी वॉइस आप तक आ रही है, आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? मतलब कल हमने ये देखा था सिंपल सा कि अगर मान लीजिए किसी स्टैट्यूट में कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, कोई एक प्रोविजन है, और उस प्रोविजन की मीनिंग को लेकर के डिस्प्यूट अराइज होता है, या उसकी मीनिंग को लेकर के कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसकी मीनिंग को एक्चुअली किस तरीके से समझा जाएगा, हाउ द कोर्ट्स विल एसर्टेन द ट्रू मीनिंग ऑफ दैट प्रोविजन, ये इसको पहुंचने के लिए या यहां तक पहुंचने के लिए कोर्ट ये देखती है कि उसके पास सर्टेन रूल्स हैं, और उन रूल्स के एप्लीकेशन के थ्रू वो वहां तक पहुंचती है जहां तक लेजिस्लेचर उसको पहुंचाना चाहता है। दैट मींस कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहां से मिलता है, हमें इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर से मिलता है। इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर का मतलब क्या हुआ? जैसा देखिए कि अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में हम देखें, तो उस नॉर्मल सिचुएशन के अंदर एक इंडिविजुअल जो कि आपके सामने से कोई भी फीलिंग शो करता हो, एक्सप्रेस करता हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और फीलिंग हो, उसकी इंटेंशंस कुछ और हो आपके प्रति लेकर के, कोई बहुत गहरा दोस्त हो आपका, लेकिन वो आपको एक्चुअली में दोस्त ना मानता हो और आपसे एनमिटी रखता हो किसी प्रकार की। इसी तरीके से लेजिस्लेचर में हो सकता है कि उन्होंने एक लॉ बनाते वक्त एक वर्ड लिखा है जिसका वर्ड का मीनिंग वो इंटेंट कुछ और कर रहे थे, तो वही इंटेंट फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स कोर्ट इस्तेमाल करती हैं, उन्हीं को हम रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा फनी एग्जांपल भी है। मान लीजिए कि अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं आपके साथ कोक, तो बताइए इस वर्ड का मीनिंग आप क्या निकालेंगे? मेरे कहने के हिसाब से आप इस वर्ड का मीनिंग क्या लिखा लेंगे? What was my intention when I was taking this word coke, when I was writing this word coke? हाँ जी, ये वर्ड कोक लिखने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या हो सकती है? बढ़िया प्राचिता, बिल्कुल बढ़िया हूं मैं, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया आयुषी, चलिए। हाँ जी बताइए, इस कोक को लिखने के पीछे मेरी इंटेंशन क्या हो सकती है, क्या कोक वर्ड का मीनिंग होगा? यहां से बताइए, कोका कोला, अपराजिता ने बताया कोका कोला, ठीक है। अच्छा, मान लो ये कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, और इसने इस कोक के लिए, ये कोक मंगाने के लिए एक व्यक्ति को 50,000 रुपीज का पेमेंट किया हुआ है। व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट के अंदर अभी आपने पीछे कुछ महीनों पहले नहीं, लगभग 2 साल पहले की ये घटना है, जब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक पर्सन की सुसाइड से रिलेटेड मैटर था, तो बहुत लोगों के व्हाट्सएप चैट्स और कुंडलियां खंगाली जा रही थी कि ड्रग्स रैकेट को बस्ट करने के लिए, तो वहां पे कुछ लोगों के चैट्स बाहर आए थे। मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो कोक के लिए 50,000 के अगर पेमेंट किसी पर्सन को किया जाए, तो यहां पे उस व्यक्ति की कोक के पीछे क्या इंटेंशन होगी इस कोक को कहने की? हां जी, अब आपके हिसाब से क्या इंटेंशन हो सकती है किसी व्यक्ति की?
किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की हु इज पेइंग 50,000 रुपीज फॉर द वर्ड कोक, यहां से इंटेंशन क्या निकलेगी? अपराजिता का कहना है कि कोई साइकोट्रॉटिक सब्सटेंस हो सकता है. तो देखिए इंटेंशन डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि पर्टिकुलरली उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वर्ड यूज किया गया है इसका ट्रू मीनिंग क्या होगा, इस वर्ड को यूज करने के पीछे इंटेंशन क्या रही होगी, इसको फाइंड आउट करते हैं हम कॉन्टेक्स्ट को देख करके. पूरी बात को समझने के बाद समझ में आता है कि एक्चुअली में इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा. लेकिन क्या सिर्फ यही एक रूल है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना है इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या और भी कई रूल्स हो सकते हैं? तो देखिए कोर्ट ने अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रिंसिपल्स और रूल्स बताए हैं जो इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं या जिनके थ्रू कोर्ट एसर्टेन करती है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. और उसके बाद कोर्ट बताती है कि नहीं, ये जो वर्ड यूज किया गया है ना, इस वर्ड का मीनिंग एक्स है ना कि वाई. ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर. तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो रूल पढ़ने वाले हैं, उसको लिटरल या ग्रामेटिकल रूल कहते हैं. लिटरल या फिर ग्रामेटिकल रूल. अभी लिटरल या ग्रामेटिकल रूल का मतलब क्या है ये अभी हम समझने की कोशिश करेंगे. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. तो इससे पहले कि स्टार्ट करें, एक खुशखबरी आपके लिए है कि भाई सारथी बैच 6.0 आ रहा है. तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आप में से कोई लोग अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच के अंदर, इस फाउंडेशन बैच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन इसका लेना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, आप ले सकते हैं. फीचर्स तो इसमें भर भर के हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको नॉर्मली किसी भी कोर्स के अंदर नहीं मिलते हैं, उससे ज्यादा फीचर्स हैं. एंड 6.0 में बाकी और सारथी बैचेस से भी कुछ ज्यादा एडिशनल फीचर्स हैं. तो फ्रेंड्स अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी हो, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं एंड टेलीग्राम चैनल्स पे इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, यूट्यूब पे भी इसमें इंफॉर्मेशन है. प्लस ये एक और इंफॉर्मेशन आप सब बच्चों के लिए कि भाई देखिए 20% ऑफ अभी है सब्सक्रिप्शन के ऊपर. जो लोग परचेस करना चाहते हैं कोर्सेज अभी, उनके लिए 20% ऑफ है. करना क्या है, सिर्फ आपको एक कोड लगाना है AS Light एंड यू विल गेट, यू कैन अवेल 20% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस ऑन Unacademy. चलिए इसके बाद दोस्तों अब सीधे आते हैं हम लोग बात करते हुए लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन की तरफ. लिटरल या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, ये जो है वर्ड, ये जो रूल है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन. लिटरल इंटरप्रिटेशन जैसे हम कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि यार लिटरली कहूं तो ऐसा है, तो वही बात यहां पे भी है कि एक लॉ के अंदर लेजिस्लेचर ने आपको कुछ वर्ड्स लिख करके दिए हैं. अब यहां पे जब कोर्ट किसी वर्ड का मीनिंग निकालती है और वो एसर्टेन करने की कोशिश करती है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड पुटिंग दिस वर्ड इन दिस प्रोविजन, ये वर्ड लिखने के पीछे लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या थी, ये कैसे पता करती है कोर्ट? पता करती है सबसे पहले, या आम तौर पे देखें हम तो लिटरल रूल लगाया जाता है, लिटरल रूल या ग्रामेटिकल रूल लगाया जाता है. इसके अंदर कोर्ट देखती है कि इस वर्ड का पॉपुलर मीनिंग क्या है, इस वर्ड का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, इस वर्ड को ऑर्डिनरली या पॉपुलरली किस तरीके से यूज किया जाता है, वही मीनिंग हम लेंगे अगर यहां पर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है. तो अगर ये वर्ड की मीनिंग अपने आप में अनएम्बिगस है, यहां पे दो मीनिंग्स नहीं निकल के आ रही, मल्टीपल मीनिंग्स निकल के नहीं आ रही, सिर्फ एक मीनिंग निकल के आ रही है, सिंपल सीधी साफ सुथरी मीनिंग यही निकल के आ रही है, तो यहां पे हम उसका वही मीनिंग लेंगे. एंड अगर उससे रिलेटेड कोई मान लीजिए कि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, कोई भी रॉन्ग कमिट हो रहा हो, कोई भी किसी पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी इंपोज हो रही, उससे कोई फर्क कोर्ट को नहीं पड़ता. कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, अगर वर्ड क्लियर है अपने आप में, एम्बिगस नहीं है, देयर इज अनएम्बिग्विटी, ऐसे सिचुएशन में वर्ड जो ऑर्डिनरी मीनिंग कैरी करते हैं उसी ऑर्डिनरी या पॉपुलर मीनिंग को ही लिया जाएगा. ठीक है, देखिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार, बच्चों देख लीजिए. द वर्ड्स ऑफ एन एनएक्टमेंट आर टू बी गिवन देयर ऑर्डिनरी और नेचुरल मीनिंग एंड इफ सच मीनिंग इज क्लियर एंड अनएम्बिगस एफेक्ट शुड बी गिवन टू अ प्रोविजन ऑफ अ स्टैट्यूट Whatever may be the consequence, क्या consequence है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर ambiguous, unambiguous है words, तो फिर code वही meaning निकालेगा जो कि popular या फिर ordinary meaning है. इसके किसी भी technical meaning की तरफ नहीं जाएंगे. No technical meaning, no dictionary meaning. हो सकता है dictionary meaning इस word का कुछ और बताता हो, dictionary meaning कुछ और बताता हो, लेकिन हमें dictionary meaning पे नहीं जाना है. हमें किस पे जाना है, हमें जाना है सिर्फ technical meaning के तरफ.
अब दोस्तों इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अगर एग्जाम्पल अगर दूं आपको, तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, केस लॉस के थ्रू इसके एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इन केसेस की, और इस केस के अंदर ये जो आप पर्टिकुलर केस देख रहे हैं, दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस का क्रक्स जो है वो सेम ही है। यहां पे पहला केस है राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर 1961 का केस, मोतीपुर जमींदारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस। इन दोनों का क्रक्स जो है, दोनों ही केसेस का एकदम सेम है। क्या है यहां पे, इन दोनों केसेस में बात हो रही है वेजिटेबल के ऊपर, वेजिटेबल के ऊपर टैक्स के बारे में। तो यहां पे आपको कुछ लेजिस्लेशन के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला क्या है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बिरार सेल्स टैक्स 1947 का, इसके बाद बिहार सेल्स टैक्स एक्ट 1947 का, ये दोनों सेल्स टैक्स हैं। अब भाई सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर बताया गया था कि वेजिटेबल पे, ग्रीन वेजिटेबल की सेल पे सेल टैक्स नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा, वेजिटेबल पे या फिर ग्रीन वेजिटेबल की सेल्स टैक्स पे। इसकी सेल पे कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। देखिए जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो बिहार का सेल्स टैक्स एक्ट था, इसके अंदर बताया था कि ग्रीन वेजिटेबल पे कोई सेल्स टैक्स नहीं लगना है। ऊपर वाला जो है एक्ट, सेंट्रल प्रोविंस यानी सीपी एंड बिरार सेल्स टैक्स एक्ट, यहां पे वेजिटेबल पे कोई टैक्स नहीं लगना है, ये बात हो गई। अब पहले वाले केस में क्या होता है, ये राम अवतार वाले केस के अंदर एक व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं मैं तो बीटल लीव्स बेच रहा हूं। मैं क्या बेच रहा हूं, मैं बीटल लीव्स बेच रहा हूं। बीटल लीव्स आप लोग समझते हैं ना, और बीटल लीव्स को क्या समझा जाना चाहिए, इसको तो क्या समझा जाना चाहिए, वेजिटेबल समझा जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी डिक्शनरी मीनिंग निकाली जाए तो ये एक वेजिटेबल है, इट इज अ वेजिटेबल, डिक्शनरी मीनिंग ये कहती है इसकी। तो यहां पे ये वेजिटेबल है बीटल लीव्स, और इसके ऊपर कोई भी सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये देखिए ये पान के पत्ते हैं, पान वगैरह खाने के शौकीन तो नहीं आप में से कोई, तो जो पान वगैरह खाते हैं लोग उनको पता होगा कि हालांकि खाने पान जो लोग खाते हैं वो खाते समय भी उनके, अगर आप उनके चेहरों को देखें या एहसास करें उनकी फीलिंग को देखें, तो ऐसे ही लगता है कि वो नॉर्मल खाने की तरह ही खा रहे हैं, फूड की तरह ही खा रहे हैं। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि ये क्या हो, ये वेजिटेबल हो, लेकिन कोर्ट ने यहां क्या आंसर दिया होगा आप बताइए। यहां पे कोर्ट ने अगर लिटरल रूल या लिटरल इंटरप्रिटेशन लगाया होगा तो कोर्ट के हिसाब से क्या ये वेजिटेबल होगा बीटल लीव्स या वेजिटेबल नहीं होगा, आपका क्या कहना है? हाँ जी, आपका क्या कहना है, ये बीटल लीव्स होंगे? यहां पे अगर लिटरल या ग्रामेटिकल रूल लगाया जाए तो बीटल लीव्स की हमें पॉपुलर मीनिंग देखनी पड़ेगी। पॉपुलर मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, क्या इसको हम सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उल्टा देखो वेजिटेबल इसका पॉपुलर मीनिंग क्या है, वेजिटेबल आप किसको बोलते हो, वेजिटेबल कैसे खाई जाती है, वेजिटेबल जिस तरीके से खाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल को, क्या वही सेम प्रोसेस से या उसी सेम पर्पस के लिए हम बीटल लीव्स को भी खाते हैं, ऑर्डिनरी पर्पस, आपका पॉपुलर पर्पस या पॉपुलर मीनिंग क्या है इस शब्द का, कौन से शब्द का, वेजिटेबल का या फिर बीटल लीव का, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। हो सकता है कि अगर इसकी हम डिक्शनरी मीनिंग निकालें, बीटल लीव की डिक्शनरी मीनिंग निकालें, तो वो वेजिटेबल के कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, लेकिन यहां पे हम उसकी डिक्शनरी मीनिंग को नहीं लेंगे, कोई टेक्निकल सेंस में इसको नहीं लेंगे, इसका हम पॉपुलर मीनिंग लेंगे। और कोर्ट ने भी यही किया कि इसकी पॉपुलर मीनिंग लेते हैं और इसको हमने क्या बताया कि ये वेजिटेबल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा, यानी कि सेल्स अगर होती है बीटल लीव्स की तो वो क्या कहलाएगा, वो सेल्स टैक्स के अंदर आएगा। सेम इस सिचुएशन में भी अगला केस भी जो है मोतीपुर जमींदारी केस, इसके अंदर भी शुगर केन के बारे में बात हुई। ये कहा गया कि शुगर केन जो है वो ग्रीन वेजिटेबल है, शुगर केन ग्रीन वेजिटेबल है। कोर्ट ने बोला कि भाई जब हम ग्रीन वेजिटेबल या सब्जी की बात करते हैं ना, हो सकता है कि डिक्शनरी मीनिंग के अंदर वो फॉल कर रहा हो, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल की जो ऑर्डिनरी मीनिंग है, जिस तरीके से उसको कंज्यूम किया जाता है, जिस पर्पस के लिए कंज्यूम किया जाता है, वो पर्पस शुगर केन का नहीं है। शुगर केन का पर्पस कुछ और है, इसको उस तरीके से कंज्यूम नहीं किया जाता,
इसको अपने रेगुलर फूड चेन के हिसाब से या फूड के हिसाब से यूज नहीं किया जाता, दैट्स वाई ये भी आपकी ऑर्डिनरी मीनिंग जो है उसके अंदर नहीं आता है ग्रीन वेजिटेबल की, तो ये भी ऑर्डिनरी मीनिंग में नहीं आ गया, ये भी वेजिटेबल शुगर केन भी नहीं माना जाएगा। ये दो केसेस आपको समझ में आ गए? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद और भी है इसी तरीके की पॉपुलर चीजों को देखते हैं लिटरल इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या है। सबसे बात खास बात आपको यही है कि जब एक गिवन सिचुएशन के अंदर, एक गिवन सिचुएशन के अंदर आपको बताया जाए कि एक पर्टिकुलर शब्द है और उस शब्द की क्या करना है, आपने मीनिंग निकालनी है, तो शब्द की मीनिंग आप कैसे निकालोगे एज पर लिटरल रूल। और भी रूल है लेकिन अभी हम सिर्फ क्या समझ रहे हैं, लिटरल रूल को समझ रहे हैं। एज पर लिटरल रूल ऑर्डिनरी या पॉपुलर मीनिंग निकालोगे, कोई भी डिक्शनरी मीनिंग नहीं, कोई भी टेक्निकल मीनिंग नहीं। यहां पे आपको क्वेश्चन के लिए, आपके जो एमसीक्यूज आने वाले उसके लिए क्या याद करना है, उसके लिए आपको उन क्वेश्चंस के लिए ये प्रिंसिपल्स को ही याद करना है, क्योंकि वहां से आपके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे। आइए कुछ और केसेस देख लेते हैं जिनकी संभावनाएं हो सकती हैं आपके एग्जाम में आने की या पूछे जाने की। देखिए इसकी बात की जाए, यूरेका फोर्ब्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है ये। अब इसके अंदर एक डिफरेंशिएशन किया गया था, डिफरेंशिएशन क्या किया गया था, या एक आप कह सकते हो कि इसके अंदर ये जो एक्ट है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पैकेज कमोडिटीज रूल्स 1977, इसके अंदर गुड्स से रिलेटेड कुछ डिफरेंशिएशन किया हुआ था। देखिए कुछ ऐसे गुड्स हो सकते हैं, ऐसी कमोडिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज हो सकती हैं जो कि पैकेज्ड गुड्स के अंदर आती हैं, पैकेज्ड कमोडिटीज। और ये जो पैकेज कमोडिटीज होती हैं, इन पैकेज कमोडिटीज का इंस्पेक्शन आप जनरली नहीं करते हो, इनको आप खोल करके देख नहीं सकते हो। आपको कैसे परचेज करना पड़ता है, यू परचेज इज एज इट इज, यही तो होता है ना। आप इसके अंदर कोई इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, आप इसको अलग से खोल करके कोई वेट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका मूंग दाल, ये पैकेट्स के अंदर है। जैसे आप सॉल्ट लेते हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेते हो ना, डीमार्ट आप लोग जाते हो या फिर और किसी ऐसे शॉपिंग सेंटर में जाते हो और बहुत सारे पैकेज्ड गुड्स कमोडिटीज आप खरीदते हैं, वहां पे आप क्या उन पैकेट्स को खोल करके उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं या देखते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है? तो अगर नहीं करते हैं, वो इस एक्ट की वजह से नहीं करते हैं, इस एक्ट में ही ऐसा है। लेकिन लेकिन इसी एक्ट के अंदर और कौन सी कमोडिटीज आ सकती हैं? एग्जाम्पल के लिए इस केस के अंदर वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड क्वेश्चन उठा। ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना, ये भी क्या है, इसके बारे में बताया गया कि ये पैकेज्ड कमोडिटी है, पैकेज्ड कमोडिटी है, ऐसा क्वेश्चन उठाया। पैकेज्ड कमोडिटी है इसका मतलब क्या है कि इंस्पेक्शन वगैरह इसका नहीं होगा, और ये पर्सन को जैसा पैक करके दिया गया है, जैसा पैक करके दिया गया है वैसा ही परचेज करना पड़ेगा, और ले जाने के बाद आप इसकी गारंटी वारंटी के हिसाब से या जो कुछ भी है वो देख सकते हैं। बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इससे रिलेटेड किसी तरीके का इंस्पेक्शन प्री परचेज नहीं होगा, वही होता है यहाँ पे। बाकी प्रोडक्ट्स, ये एक कंटेंशन थी, बाकी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप लेने से पहले खोल सकते हैं, खरीदने से पहले देख सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा है। बट यहाँ पे कहा गया कि ये नहीं होगा क्योंकि इस एक्ट के अंदर इसी कमोडिटी में पैक्ड कमोडिटी, पैकेज कमोडिटी के अंदर आएगा, ठीक। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे क्या दिखा, क्या रूल लगाया, लिटरल इंटरप्रिटेशन है, ग्रामेटिकल सेंस लगाया, और ये बताया कि जो वैक्यूम क्लीनर है ना आपका, ये पैकेज कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे आप मोबाइल फोन परचेस करने जाते हो, जब आप मोबाइल फोन परचेस करने जाते हैं, ये तो आपने रिसेंटली अभी किया ही होगा, साल दो साल के अंदर, तीन साल के अंदर, या कुछ महीनों के अंदर जरूर किया होगा मोबाइल परचेस। आपने देखा होगा कि मोबाइल का जो बॉक्स होता है वो आप पहले ओपन करके देखते हो और अपने मोबाइल को चेक करते हो परचेस करने से पहले कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है सही ढंग से। लेकिन अगर वो पैकेज कमोडिटी के अंदर आता तो फिर आपको वहां पे इंस्पेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं होता। कोर्ट ने क्या बोला, जैसे वैक्यूम क्लीनर है, ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको पैकेज कमोडिटी के अंदर नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऑर्डिनरी सेंस में वो पैकेज कमोडिटी के अंदर फिट नहीं होते हैं। ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कमोडिटीज पैकेज कमोडिटीज के अंदर फिट नहीं होते हैं। पैकेज कमोडिटीज को किस सेंस में लिया जाए, इसका जो ऑर्डिनरी सेंस है वो इस टाइप का निकल के आता है जिसके अंदर ये वाली कमोडिटीज आती हैं जहां पे कोई इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, हाँ बिल्कुल अपराजिता, वही मैं कह रहा हूं कि वही बात पे आया कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चेक किए जाते वैसे वैक्यूम क्लीनर को भी चेक किया जाएगा, बट ये कंटेंशन थी कि नहीं किया जाना चाहिए, इसको पैकेज कमोडिटी माना जाना चाहिए। कोर्ट ने बोला नहीं मानेंगे पैकेज कमोडिटी क्योंकि जो ऑर्डिनरी सेंस है कमोडिटीज का उसके अंदर ये फिट नहीं होता, पैकेज कमोडिटी के अंदर फिट नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं एक और केस है सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई का, सुरेश नंदा वर्सेस सीबीआई का।
अब आप अगर आप में से बाकी बच्चे मतलब जो भी लोग हैं वो सीआरपीसी अगर पढ़ रहे हैं या सीआरपीसी पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा सर्च से रिलेटेड कुछ चीजें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है। अब सर्च के बाद क्या किया जा सकता है, सेक्शन 102 ये बताता है कि सीजर किया जा सकता है, किसी प्रॉपर्टी को किसी डॉक्यूमेंट को सीज किया जा सकता है, सीजर किया जा सकता है। उसी तरीके से कोर्ट भी किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, सीजर का ऑर्डर दे सकती है, 104 के अंदर है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय किसी भी व्यक्ति के पासपोर्ट को सीजर नहीं इंपाउंड कर सकती है क्या? सीजर तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, इंपाउंड किया जा सकता है क्या? अब ये इंपाउंड वर्ड क्या होता है, इंपाउंड वर्ड जो है इसका मतलब सिंपल सही होता है कि भाई सीजर एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होता है, सीजर एक डेफिनेट पर्पस के लिए होता है, जस्ट टू इंस्पेक्ट। लेकिन जब हम इंपाउंड करते हैं किसी के डॉक्यूमेंट तो उसको हम विथहोल्ड कर लेते हैं और इट इज ऑल्सो इम्पोज एज अ पेनाल्टी, किसी का डॉक्यूमेंट इम्पोज कर लेना इट इज अ काइंड ऑफ पेनाल्टी। तो क्या इम्पोज किया जा पाना इसको पॉसिबल है बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या इस सीजर के अंदर या पुलिस जो कोर्ट की पावर 104 के अंदर है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को वो इंपाउंड कर सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकती है, इंपाउंड कर सकती है, इस डॉक्यूमेंट को इंपाउंड करने वाली जो चीज है इसके अंदर पासपोर्ट को भी आना चाहिए क्या, इसके अंदर पासपोर्ट को भी आना चाहिए। तो कोर्ट ने यहां पर बताया कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली ये बताया कि ये जो पासपोर्ट है ना इसको छोड़ करके बाकी डॉक्यूमेंट इंपाउंड किए जा सकते हैं। एक बात ये इसलिए क्योंकि यहां पे एक पासपोर्ट एक्ट है, सेक्शन 10(3) इसका पासपोर्ट एक्ट का ये बताता है आपने कि इंपाउंडिंग कैसे होगी, उसके लिए एक प्रॉपर एक अथॉरिटी है, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर है जिसकी वजह से इंपाउंडिंग हो सकती है। इंपाउंडिंग का जो जनरल टर्म है पासपोर्ट से रिलेटेड उसके अंदर उसकी ऑर्डिनरी मीनिंग के अंदर कोर्ट की पावर मैजिस्ट्रेट की पावर जो सीआरपीसी में दी हुई 104 वाली वो फिट नहीं होती, ये दोनों मैच नहीं करते हैं। तो यहां पे कोर्ट क्या कर सकती है, इंपाउंडिंग सारे डॉक्यूमेंट को कर सकती है एक्सेप्ट पासपोर्ट, बिकॉज पासपोर्ट के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना रखा है पासपोर्ट एक्ट के अंदर। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात क्या है ऑल्सो कि पासपोर्ट एक्ट एक स्पेशल लेजिस्लेशन है और सीआरपीसी एक जनरल लेजिस्लेशन है। तो जब भी एक स्पेशल लॉ होता है और एक जनरल लॉ होता है तो आप कौन सा फॉलो करते हैं, आप स्पेशल लॉ फॉलो करते हैं, जनरल लॉ के ऊपर स्पेशल लॉ ओवर रूल करता है। तो वैसे यहां पे भी हुआ कि पासपोर्ट एक्ट जो है उसने ओवर रूल किया किसको, जनरल लॉ को, विच इज दी सीआरपीसी। और लिटरल इंटरप्रिटेशन भी क्या कहता है आपसे, लिटरल इंटरप्रिटेशन भी यही कहता है कि आपका जो ऑर्डिनरी मीनिंग है इस वर्ड का इंपाउंडिंग का वो लिया जाएगा, उस सेंस में लिया जाएगा, और जो ऑर्डिनरी मीनिंग है इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट का उसके अंदर ये इंपाउंडिंग वर्ड जो है वो नहीं फिट होता है। ठीक, आइए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए एक फेमस केस है आपका, इसके बारे में सभी को पता है, ललिता कुमारी जजमेंट, ये है ललिता कुमारी 2014 का जजमेंट है। इसके अंदर ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर क्या होता है, आपको पता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बारे में बात हुई है, ये बोलता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होगा। अब यहां पे दो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो कोर्ट के सामने थे वो ये थे कि जब सेक्शन 154 पढ़ा जाता है यहां पे वर्ड यूज हुआ है शैल, यहां पे वर्ड क्या हुआ है शैल, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन को। अब इस वर्ड शैल को किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या इसको मे की तरह पढ़ा जाए, यानी कि यहां पे पुलिस ऑफिसर क्या करे बिफोर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन वो पहले इसको क्या कर ले, इंफॉर्मेशन को प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ले। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो इस इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर ले, उसके बाद ये पता कर ले कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तभी इसको रिकॉर्ड करे, क्या ऐसा होगा? या फिर इसके साथ साथ जो प्रोविजन है जनरल डायरी के अंदर इस इंफॉर्मेशन को नोट करने का, तो पहले जनरल डायरी में नोट किया जाए, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, उसके बाद अगर लगता है तो फिर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए, क्या ये होना चाहिए? ये क्वेश्चन अराइज हुआ ललिता कुमारी केस के अंदर, ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखिए जब ये ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ना शैल, इसको शैल ही पढ़ा जाना चाहिए, जो ऑर्डिनरी मीनिंग ये कैरी करता है यही पढ़ा जाना चाहिए, और ये इम्पोज करता है एक ड्यूटी और मैंडेटरी पुलिस ऑफिसर को, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना ही करना है, यहां पे ऑप्शन उसके पास नहीं है। और जो जीडी की बात है ना, जीडी की बात प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है,
जीडी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन ऐड की जानी चाहिए, जो जनरल डायरी होती है पुलिस स्टेशन के अंदर, उसमें सिर्फ जिस्ट लिखा जाना है, सिर्फ जिस्ट लिख देंगे अगर, ये भी सफिशियंट होगा, इससे ज्यादा कुछ लिखे जाने की जरूरत, इससे ज्यादा कुछ लिखे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिस्ट लिखिए। और आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, जिस भी रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बनाया है उसके अंदर रिकॉर्ड करिए, मैंडेटरीली रिकॉर्ड करिए। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो वर्ड्स थे ना सेक्शन 154 के अंदर, जो अभी भी हैं, अभी आप देखेंगे सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 154 के अंदर आपको यही वर्ड्स मिलेंगे। और इन वर्ड्स की कोर्ट ने क्या क्या बोला, इन वर्ड्स की कोर्ट ने ऑर्डिनरी मीनिंग निकाली, पॉपुलर मीनिंग निकाले कि क्या है, और उसके हिसाब से कोर्ट ने एसर्टेन किया कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इस प्रोविजन को डालने के पीछे, को लेजिस्लेचर जो है पार्लियामेंट है इसका क्या इंटेंशन रहा होगा। वो ये चाहते रहे होंगे कि भाई जब भी एक इंफॉर्मेशन आए किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड तो पुलिस ऑफिसर उसको रिकॉर्ड करे, और रिकॉर्ड करके वो इस फॉर्मेट में लिखे, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। ये कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया, किसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन दिया, कोर्ट ने यहाँ पे सेक्शन 154 के जो वर्ड्स हैं उनको रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन या फिर ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इंटरप्रेट किया और इस डिसीजन या इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो अब ये बताइए मुझे जल्दी से कि क्या क्या आपको लिटरल या ग्रामेटिकल रूल समझ में आया। हाँ जी, लिटरल या ग्रामेटिकल रूल समझ में आया आपको। जल्दी से रिप्लाई करिए बच्चों। ठीक है, देखिए व्हेन यू विल रीड जनरल ये इंटरप्रिटेशन का ये जो प्रिंसिपल है आपका ग्रामेटिकल या लिटरल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक, किसी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे, बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे। क्या हमें बहुत सारे केस लॉज पढ़ने चाहिए, उनको रट लेना चाहिए प्री के एग्जामिनेशन के लिए? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से होनी चाहिए ताकि आपका जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन का आंसर आप प्रॉपरली कर सको। और प्रॉपरली कैसे कर सको, कि हो सकता है गिवन सिचुएशन में एग्जैक्टली आप श्योर ना हो कि यही आंसर है, बट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाने के बाद आप अगर उस प्रिंसिपल को समझ चुके हैं अच्छे से तो जैसे ही आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे आप सही आंसर तक पहुंच चुके होंगे। बस जरूरी यहां पे क्या है, जरूरी ये है कि इस रूल को, इंटरप्रिटेशन के इस रूल को बहुत अच्छे से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझना। अब देखिए आगे का डिस्कशन हमारा क्या है, आगे का डिस्कशन है हमारा, रूल हमें पढ़ना है जो वो है मिस्चीफ रूल। और इसके बाद गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक। और फिर एक रूल है कंस्ट्रक्शन का, वो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, हम ये जो रूल्स पे आएंगे इन रूल्स को हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज की क्लास में अभी थोड़ी देर बाद आपको स्टार्ट होने वाला है फ्री लाइव क्लासेस पे, स्पेशल क्लासेस पे, अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, लर्नर्स ऐप पे आप अगर जाएंगे तो जेलो से रिलेटेड आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जेलो एग्जाम से रिलेटेड। अभी देवाशीष पांडे सर की क्लास है 9 बजे से, आप उसके अंदर जाइए, लाइव क्लास पे जुड़िए और उसके अंदर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यूज आज से ही स्टार्ट हो रहे हैं और टोटल हमारा टारगेट है 5000 एमसीक्यूज आपके लिए प्रैक्टिस कराना। तो दंगल सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है आज से ही, कृपया करके इसको ज्वाइन करें और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी प्रिपरेशन को क्वालिफिकेशन तक लेकर के जाएं कि आप जेलो का एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और हम आगे का डिस्कशन इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, आगे के रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।